थे ऊपर वाले, मारो मुझे, मारो 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 मारो। आप इंसान है या हैवान, जानते हुए भी जाने लिए जा रहे हैं, रोड़ों पे घूमे जा रहे हैं, मार्केटों के अंदर नाच गाना बजा के तमाशा मचा रखा है और देश के लिए कोरोना को और करीब लेके आते जा रहे हैं। शर्म करो इंसानों। आज मैं आपका दोस्त हर्षिंग और आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, जो शायद आप सुनेंगे उसके बाद आपको समझ आएगा कि प्यार क्या होता है और प्यार में इंसान इंसान के लिए जान भी दे सकता है और कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है। ये कहानी इटली के अंदर शुरू होती है। सोफिया एंड एंटोनियो दो प्यार करने वाले पति पत्नी जिनके दो बच्चे, दोनों ही नर्सेस के तौर पे इटली के अंदर कोरोना से लड़ते हुए अपना काम कर रहे थे। दोनों ने अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, जिनका नाम कारा और लिया था, उन्हें उनकी दादी के पास छोड़ दिया। वो पूरी रात काम करने पे लगे रहते। जिस दिन से वो कोरोना की जंग में शामिल हुए, उस दिन के बाद उन्होंने अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी थी। कोरोना पेशेंट्स का इलाज करते करते उन्हें ये तक नहीं पता चला कि कब कोरोना ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। सबसे पहले एंटोनियो पे इसका असर पड़ा। उसके बावजूद एंटोनियो ने पेशेंट्स का इलाज करना बंद नहीं किया। एक हफ्ता बीत गया, सोफिया को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया। दोनों ही अब कोरोना के पेशेंट्स बन चुके थे। एक हफ्ते बाद जब सोफिया को पता चला कि उसे भी कोरोना है, हॉस्पिटल में एक भी बेड नहीं बचा था। तब तक उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा। एक दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आई कि एक बेड बचा हुआ है, उनमें से कोई भी आके वहां पे अपना इलाज करा सकता है। एंटोनियो ने बोला, सोफिया आप जाइए, आपका इलाज पहले होना चाहिए। लेकिन सोफिया ने यह बात ना मानते हुए एंटोनियो का साथ दिया। कुछ दिनों बाद दोनों की मौत हुई और मौत के वक्त भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। वो अपने बच्चों को आखिरी गुड बाय तक नहीं कह पाए। कारा एंड लिया दोनों ही बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके थे। यही नहीं तो प्यार करने वाले एक दूजे को भी खो बैठे। हॉस्पिटल भी दो बहादुर नर्सों को खो चुका था। ये डॉक्टर्स और नर्सेस हमारी जान बचाते बचाते अपनी जान दे बैठे और हम लोग अभी भी इस वक्त भी घूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं, जैसे कि कोरोना उन्हें कुछ नहीं कर सकता। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आप दर्द पहचान सकते हैं, उस दर्द की इज्जत करिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, उस वीडियो को शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी। कोरोना को हम रोक सकते हैं, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं रोक सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डू शेयर इट राइट नाउ और उस दर्द को भूलिएगा मत। और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।